नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं वेब ट्रिक्स हिंदी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ब्लास्टर शॉट कीवर्ड रिसर्चर के बारे में। दोस्तों उस एप्लीकेशन का यूज कैसे करते हैं और अपने वीडियो के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, अपने कंटेंट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और आपको उससे रिलेटेड कैसे कीवर्ड फाइंड करने होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप यूनिक कीवर्ड रिसर्च करें अपने वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब वीडियो के लिए या फिर जो भी काम करते हैं आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर अपना आर्टिकल रैंक कराना है, तो वो सभी चीज़ें आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या सॉफ्टवेयर जो कि आपके पीसी, लैपटॉप या कंप्यूटर में चलता है या आपके मोबाइल के लिए नहीं है। इसका नाम है दोस्तों ब्लास्टर शॉट। इसका जो है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो बनाया है यूट्यूब वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप यूट्यूब के वीडियो के लिए आप टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन वगैरह सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह एप्लीकेशन मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। अगर आप इसे मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको $37 का पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपका डाउनलोड करके यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद ये पासवर्ड डालना है। अगर ये पासवर्ड नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ पे नीचे वाला ये पासवर्ड आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने जो है कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद हम चलते हैं इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डबल टैप करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ब्लास्टर शॉट मैनेजर देख सकते हैं आप, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वर्क कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर। अभी ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ी देर आप जो है कि, तो दोस्तों देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है कि ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो कि पासवर्ड शो कर रहा है, ईमेल आईडी शो कर रही है, जो हमने भी वही डाल रखा है जो आप सभी को दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं शो करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है नीचे वाला पासवर्ड है मैंने आप सभी को दे रखा है। बहुत सारे लोगों को कहना था कि सर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा था पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने दोनों पासवर्ड दे रखे हैं जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ और जो मेरा दो पासवर्ड मैं यूज करता हूँ, दोनों पासवर्ड आप सभी को दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ देर प्रोसेसिंग होता है, आपके पासवर्ड को चेक करता है, रीचेक करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कि सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कीवर्ड सजेशन ब्लास्टर, इस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और आगे मैं वीडियो लाऊंगा तो इसमें से किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर बात करूंगा। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कीवर्ड सजेशन ब्लास्टर के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्टिंग पे, और स्टार्टिंग पे क्लिक करते हैं तो एक नया एप्लीकेशन ओपन होता है जो कीवर्ड सजेशन ब्लास्टर के नाम से ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको सारे कंट्री से रिलेटेड कीवर्ड शो करेंगे कि अभी उस कंट्री में क्या कीवर्ड टॉप पे चल रहा है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा ओपन हो चुका है कीवर्ड सजेशन ब्लास्टर 1.02। तो यहाँ पे देखिए अभी अर्जेंटीना में इतनी चीज़ें जो है कि टॉप सर्चेस में चल रही हैं। तो हम इंडिया में देखते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम देखिए इंडिया पे क्लिक करते हैं और इंडिया में दिखाएगा कि कौन सी चीज़ें जो है कि अभी टॉप पे चल रही, टॉप ट्रेंडिंग में चल रही। तो यहाँ पे शेख डीन मोहम्मद दिखा रहा है 10 मिलियन प्लस सर्चेस दिखा रहा है। उसके बाद क्रिकबज के सर्चेस दिखा रहे हैं 2 मिलियन प्लस दिखा रहे हैं। इंटरटेनमेंट न्यूज दिखा रहा है, लाइव स्कोर दिखा रहा है, स्पोर्ट्स, आर्मी डेज, स्पाइडरमैन फॉर होम। तो ये सारी चीज़ें सर्चेज जो है कि अभी इंडिया में सर्च की जा रही है, सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में दिखा रही है और यह बिल्कुल रियल होता है। आप जाके यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब ट्रेंड्स पे जाके आप सॉरी गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कीवर्ड आपको वहाँ से मैच करेगी, ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। जैसे अगर आपने एक कीवर्ड लिया क्रिकबज, तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो आपको दिखाएगा। जैसे हम क्रिकबज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करना है आपको। उसके बाद फाइंड कीवर्ड सजेशन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड सजेशन होंगे वो आपके सामने शो करने लगेंगे। जितने भी 1000-2000 कीवर्ड्स होंगे तो वो सारे कीवर्ड्स आपको शो करने लगेंगे। अगर इस कीवर्ड में से किसी का कीवर्ड सजेशन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। या क्रिकबज आपका कीवर्ड है, ठीक है, एक कीवर्ड पे आप तो अपना आर्टिकल रैंक करा नहीं पाओगे, तो इसमें से कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कीवर्ड्स हैं जो सर्चेज किए जाते हैं, तो इन सारे कीवर्ड में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है उस कीवर्ड को लेके आप अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं। क्रिकबज वीडियो HD, इसको आप डबल टाइप करके क्लिक करिए। उसके बाद यह कीवर्ड अपना मेन कीवर्ड उसको रख लीजिए। उसके बाद
उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड सजेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप वीडियो के टाइटल में डालिए, इसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, फिर टैक्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड सजेशन का टूल का यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो को रैंक करा सकते हैं, या फिर आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको, आप नीच वेबसाइट बनाते हैं उसको भी रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर वीडियो था कीवर्ड सजेशन के ऊपर, और दोस्तों इस वीडियो में और कुछ नहीं है। इसको कॉपी कैसे करना है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कीवर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स आपके जो है कि सेव हो जाएंगे। यहाँ पे आप डॉट फाइल लगा के जो भी फाइल देना चाहते हैं वो नाम देके .txt में आप सेव कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका जो है कि नोटपैड में ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो कि मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइल दे दी, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दिया, और जैसे ही सेव किया हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, तो हम इसको चलते देख लेते हैं ओपन करके। और यहाँ पे हमें जाना है डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में देखिए मैंने ये वाली फाइल सेव की है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करते हैं, जैसे देखिए हमारा नोटपैड में ओपन हो चुका है, और ये सारे कीवर्ड्स हमने जो है कि सजेस्ट करके, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सिंपली, जो भी आपको कीवर्ड अच्छा लगता है उसको कॉपी करके आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो जो है कि आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। और आपका कोई सुझाव हो तो हमें जो है कि कमेंट करके जरूर बताइए, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।